स्वागत है आपका माइंड मेकर गुरुजी में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बात करेंगे सीएचएस एंट्रेंस टेस्ट 2017 के सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। क्लास 11th का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे, क्लास 11th बायोलॉजी ग्रुप का हम लोग सॉल्यूशन आज देखेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि पार्ट वन में मैंने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, आज मैं 50 से 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। और आपके पेपर पैटर्न इस टाइप के होते हैं कि इसमें सारे सब्जेक्ट्स मिला के क्वेश्चन होते हैं, आपके हिंदी इंग्लिश आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें आपके मिला के आपको क्वेश्चन प्रोडक्ट किए जाते हैं। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 51 आपका है क्वेश्चन, इन द गिवन टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये टेबल बनाया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड है और उसका एटॉमिक नंबर 9, 11, 17 और 19 है, ये दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं जो 9 एटॉमिक नंबर होता है वो फ्लोरीन का होता है, 11 सोडियम का होता है, 17 क्लोरीन का, 19 आपका पोटेशियम का होता है। तो इसमें आपके कौन से ऑप्शन सही थे? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इज करेक्ट है, डब्ल्यू इज मोर रिएक्टिव देन वाई, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके 52 क्वेश्चन है, नंबर 52, लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन इज, गलन की गुप्त ऊष्मा में क्या होता है, नॉट सोन इन सोन बाई अ चेंज इन टेम्परेचर, इसमें जो तापमान होता है उसमें परिवर्तन होता है वो सोन नहीं होता है लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा पॉइंट आपका। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल बेस है, आपका केमिस्ट्री पे टेम्परेचर बेस पे न्यूमेरिकल दिया गया। अ लिक्विड बॉयल एट 323 केल्विन, जो लिक्विड है बॉयल करती है इतने केल्विन टेम्परेचर पे, इट्स बॉयलिंग पॉइंट इन फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में हमको टेम्परेचर बताना है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम सा। तो एक फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला है ये, C/5 इक्वल टू EF-32/9 इक्वल टू K-273/5। ये बेसिक फार्मूला है, इसमें आपको जो वैल्यू निकालनी है इसमें निकाल सकते हैं। जैसे ये आपका केल्विन में दिया है तो केल्विन में पुट अप कीजिए और आपको निकालना है फॉरेनहाइट में, तो फॉरेनहाइट के साथ पुट अप करके फॉरेनहाइट पे आप निकालेंगे तो 122 फॉरेनहाइट आ गया। और इसी तरह डिग्री सेल्सियस में सॉल्व करेंगे तो सेम रिस्पेक्ट में 50 आएगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है करेक्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था आपकी फॉर्मूले बेस पे, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके थोड़े से लेंदी टाइप के, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है 54.5% एंड 9.1% एंड रिमेनिंग इज ऑक्सीजन, देन एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, बोला जा रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक का फार्मूला हम लोगों को बताना है जिसमें कार्बन 54.5% है, हाइड्रोजन 9.1% है और ऑक्सीजन जो बचा वो है, तो इस यौगिक का सूत्र कितना होगा। तो कार्बन आपको इतना दिया गया, हम लोग जानते हैं कार्बन आपको 12 होता है उसका आपका एटॉमिक नंबर, तो इससे आप डिवाइड कर देंगे तो 4.55 आ जाएगा। हाइड्रोजन 9.1 दिया गया, 1 से डिवाइड कर देंगे 9.1 आ जाएगा। ऑक्सीजन का निकालना है तो 100 में से ओवरऑल इन दोनों को कार्बन और हाइड्रोजन को प्लस करके माइनस कर देंगे, तो ये ऑक्सीजन का निकल जाएगा जितना आएगा उसको 16 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 2.27 आ गया। ये तीनों का कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ये आ जाएगा, एक एक आपका वैल्यू आ जाएगा, फिर सबसे छोटी जो वैल्यू रहेगी उससे डिवाइड कर देंगे सबसे मिनिमम वैल्यू से। तो डिवाइड किया इसको तो 1 आया, कार्बन को डिवाइड किया तो 2 आया, हाइड्रोजन को डिवाइड किया तो 4 आया। जो फार्मूला आपका बच रहा है, बन रहा है, मतलब C2 है तो C2 हो गया, H आपका 2 है, H2 और O है, सॉरी H4 बन रहा है आपका, 4 यहाँ पे होगा और O, तो ये ऑप्शन जो B इसमें करेक्ट है, ये नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, C2H4O, क्योंकि कि आपका 4 ये हाइड्रोजन के लिए बन रहा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बी है। इस टाइप से आपके सॉल्यूशन होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ये हो गए आपके 54 तक के सॉल्यूशन। 55 है, इन ड्राई हॉट वेदर वाटर किप्ट इन अर्थेन पॉट बिकम कूल ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ, शुष्क गर्म मौसम में गर्मियों के दिनों में हम लोग देखते हैं कि मिट्टी की घड़े में जो वाटर होता है आपका जल होता है ठंडा होने का कारण इसका आपका है जो इवेपोरेशन है वाष्पन के कारण ये ठंडा होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा जो हम लोग मिट्टी का घड़ा यूज करते हैं आपके गांव या शहर में, ठीक है। ये 56 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटालिक लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, नॉन मेटालिक लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर पे कौन है, तो ब्रोमीन जो है नॉन मेटालिक लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, जो आपका नॉन मेटालिक, अगर मेटल की बात करें तो मरकरी आता है, मेटल जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मरकरी होता है, पारा जिसको बोलते हैं हम लोग हैं।
नेक्स्ट है आपको 57, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या शो करता है इसमें, बोला जाए चीनी का जली विलयन, सोडियम क्लोराइड का जली विलयन, स्टार्च का जली विलयन, जली इथेनॉल। तो इक्वस स्टार सॉल्यूशन जो होता है टिंडल इफेक्ट आपका देता है। नेक्स्ट आपका इसमें आते हैं 58 नंबर, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 40 ग्राम्स ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज। तो 40 ग्राम दिया तो 40 और टोटल 40 प्लस 100 कर देंगे, 1/40 हो गया इनटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट में निकालना है। तो ये जब निकालेंगे आप तो 28.57 आ जाएगा परसेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आपका 59 है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेबल मिक्सचर, कौन सा स्थायी मिश्रण नहीं है, स्टेबल मिक्सचर नहीं है। मिल्क सिंपल है, शुगर इन वाटर ये भी घुल जाता है, कॉपर सल्फेट इन वाटर ये भी मिक्सअप हो जाता है, बट चॉक पाउडर जो होता है वाटर में अच्छे से घुल नहीं पाता, खड़िया जिसको बोलते हैं। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। 60 नंबर आते हैं इसमें, 60 नंबर, अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड कंटेन 6.8 ग्राम H2O2 पर 100 ml, द मोलेरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, मोलेरिटी पूछ रहा है इसका। तो हम लोग मोलेरिटी जानते हैं 6.8 ग्राम 6.8, इन दोनों का आप निकालेंगे H2O2 का तो H2 2 हो जाएगा, O2 मतलब 16 × 2 = 32, इसको प्लस कर देंगे 34 हो जाएगा, और आपका इसका निकालना है 100 ml में। तो पहले हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं मोलेरिटी में, अपॉन 100 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 2 आ रहा है, ये 2 आपका आंसर आएगा इसमें सॉल्व करेंगे अगर आप। नेक्स्ट आपका 61, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें से कौन सा हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो 1 ग्राम ऑफ H2 इसमें से हाईएस्ट मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके दिख जाते हैं, तो इसको स्टार बना दे रहे हैं। इसमें 1 ग्राम ऑफ H2O2 है, 1 ग्राम ऑफ NH3 है, 1 ग्राम ऑफ O2 है। तो ये आप इससे सिंपल देख लेंगे, 1 ग्राम ऑफ H2 बोला है तो 1/H2 2, 1/O2 है तो 16। इसी तरह ये करेंगे तो किस में हाईएस्ट है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, और सबका बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है इसमें। ये हो गए आपके 61 तक के क्वेश्चन। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें होता है कि मतलब एनर्जी जो रिलीज होगी उसी को उसमें छेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें पहला है ऑप्शन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस, और आपका प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन मतलब श्वसन क्रिया, और डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी आपकी डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 कार्बोनेट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, CaCO3 चौक जनरली इसको बोलते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक को इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है, और सारे प्रोसेस में। नेक्स्ट आपका 63, अ वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन बाय एडिंग डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इनटू अ सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्सअप किया जाता है BaCl2 को, तो वो जो आपका देगा वाइट प्रेसिपिटेट दे देता है, मतलब आपका सफ़ेद और छिप दे देता है हिंदी में, तो BaCl2 रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट आपका 64, अ सॉल्यूशन टर्न फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर पिंक, द मोस्ट लाइकली pH ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो इसका जो pH हो जाता है 10 हो जाता है, जो वह विलयन जो फिनोफ्थेलिन की रंग को गुलाबी कर देता है तो उसका pH जो वैल्यू हो जाएगी 10 हो जाएगी। नेक्स्ट आपको विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट गिव एन अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड डिजॉल्विंग इन वाटर, तो NaCl मैक्सिमम लोग लगा कर आते हैं बट ये गलत है आपका, Na2SO4 है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो वाटर के साथ आपका अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, ये आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन है Na2SO4। नेक्स्ट आपका इसमें आता है 66, अ बेसिक ऑक्साइड इज फॉर्म बाय द एलिमेंट, क्षारीय ऑक्साइड बनाने वाला तत्व है, तो आपका Na है, सोडियम है क्षारीय ऑक्साइड बनाने वाला तत्व। नेक्स्ट आपका 67, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट बाय द अदर 3 मेटल, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो एल्युमिनियम होता है आपका वैद्युत रासायनिक सीरीज इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर आता है, तो ये सबको डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट आपका 68, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स इज 16, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आयन X- विल बी, तो इसमें बोला जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो माइनस होता है तो ये आपका प्लस हो जाता है, 16 में 2 प्लस हो जाएगा 18 आएगा। यही अगर बोला रहता
इलेक्ट्रॉन की जगह ना बता के प्रोटॉन बोला रहता तो आपका 16 कंसीडर होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 69, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स प्रोसेस अ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड O2 में बनता है, वो डबल बॉन्ड ऐसे बनता है, आप देखते हैं नाइट्रोजन में आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट दो बॉन्ड ऐसे होते हैं, तो ये तो नॉर्मल है, आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट आपका 70, आयरन इज मिक्स विथ अदर मेटल टू मेक एन एलॉय कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। द अदर मेटल्स आर, अदर मेटल्स क्या होंगे जो आयरन के साथ मिलाए जाते हैं, स्टील के मतलब एलॉय होते हैं, जो स्टील्स जनरली बोल सकते हैं, मिला के स्टेनलेस स्टील बनाए जाते हैं, तो क्रोमियम और निकिल का यूज होता है। क्रोमियम बहुत अच्छा मतलब कोरोजन रेजिस्टेंस है, जंग वगैरह नहीं लगता है, इसका यूज होता है निकिल और इसका क्रोमियम का, इसीलिए स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता। नेक्स्ट आपका 71, इसमें 71 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का कार्बन कौन सा नहीं है इसमें, तो ग्रेफाइट और डायमंड तो आप जानते ही, फ्लोरीन भी है, इसको बकी बॉल भी वो बोलते बकमिनिस्टर फ्लोरीन को, याद रखिएगा, ये भी आपका एलोट्रॉप होता है कार्बन का। बट ग्रेनाइट जो काला पत्थर होता है जिसको हम लोग झामा भी हिंदी में शायद बोलते हैं आप जनरल भाषा में, तो ग्रेनाइट आपका एलोट्रॉप नहीं होता, प्रूफ नहीं होता है का कार्बन का। ये हो गया आपके 72। द फंक्शनल ग्रुप इन ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो एल्कोहल ग्रुप होता है, C4S8OH, ये होता है आपका ब्यूटेनॉल का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कुकिंग इफ द आउटसाइड सर्फेस ऑफ द यूटेंसाइल गेट ब्लैकेट इट इंडिकेट। जब हम लोग खाना पकाते हैं तो बर्तन का जो बाहर तल होता है मतलब नीचे वाला तल होता है वो काला हो जाता है, यह दर्शाता है। रीजन सही है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, बहुत लोग गलत भी कर कर आते हैं, बट एकदम सिंपली सोचेंगे, ईंधन पूर्ण रूप से जल रहा है, अगर पूर्ण रूप से जलेगा तो काला हो ही नहीं सकता, खाना पूरी तरह पक रहा है या खाने से मतलब ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। खाना पूरी तरह से नहीं पक रहा है, खाने से रिलेटेड नहीं है, ईंधन अपूर्ण रूप से जल रहा है, ये करेक्ट ऑप्शन है, मतलब द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। अगर फ्यूल अच्छे से नहीं बनूंगा तो वो काला देगा, आप देखते होंगे बाइक वगैरह भी चलाते होंगे तो अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है कम्प्लीटली बर्न नहीं होती तो धुआं ज़्यादा देता है, ठीक है। 74 है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट 283 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट इज प्लेस्ड। 13 ग्रुप का ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, 218 और 13 एल्युमिनियम 13 ग्रुप का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को प्राप्त करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आप कहेंगे पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए तो एक वीडियो हम बना सकते हैं, अगर आप कमेंट पर में करेंगे कि आपको अगर चाहिए अच्छा ट्रिक जिससे हम लोग पीरियोडिक टेबल बहुत सिंपली याद कर सकें तो आप कमेंट हमको कीजिए, हम बना सकते हैं आपको वीडियो, वो भी दे सकते हैं, प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट है आपका, मैक्सिमम लोग कमेंट करेंगे तो प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। 75 पे, द रिएक्शन CH4+Cl2 लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन कर रहा है, CH3Cl+HCl बन रहा है, ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीकरण रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका है 76, आपका केमिस्ट्री खत्म हो गया, बायोलॉजी स्टार्ट हो गया। कूफर सेल आर फाउंड इन लीवर में, जो होता है कूफर कोशिकाएं पाई जाती हैं, आप जानते होंगे बायो के स्टूडेंट हैं तो। नेक्स्ट आपका 77, द पीस मेकर ऑफ हर्ट इज, पीस मेकर ऑफ हर्ट SE नोट बोला जाता है इसको, साइनोट्रायल नोट बोला जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, तो पीस मेकर ऑफ हार्ट जो आपके वॉल्व होते हैं कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट आपका 78, ये आर्टिफिशियल भी अब लगाए जाते हैं। अ मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ई मैरिज एज ई बी ब्लड ग्रुप वूमेन, विच टाइप्स ऑफ प्रोजीनियस ब्लड ग्रुप इंडिकेट दैट द मीन मैन इज नॉट होमोजाइगोस। इसमें बोला जा रहा है कि एक मनुष्य का रक्त जो है ए है और वो ए बी से महिला से विवाह करता है तो उसकी संतान में मतलब कौन सा रक्त समूह इंडिकेट नहीं होगा, ठीक है, तो ये जो होगा आपका बी वाला नहीं होगा, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन थर्ड है इसमें, ये 78 है। 79 इसमें दिया गया है कि 70S टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन, इसमें बोला जा रहा है कि 70S टाइप के राइबोसोम्स किस में पाए जाते हैं, तो ये आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है अगर 70 की बात करें तो 50+80 का होता है, एस में मतलब सब यूनिट बोला जाता है, अगर 80 एस ही बोला जाता हो तो 60+40 का कंपोजिशन होता है इसमें, 70S बोला जा रहा है तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इसको बोलते हैं, ये आपके ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है आपका 80, आपका है लिगिनिन इज डिपोजिट इज, लेगिनिन आपका जमा होता है किस में होता है, तो जाइलम टिशू में होता है मतलब जाइलम उत्तक में होता है ये।
नेक्स्ट आपका 81, ये करेक्ट ऑप्शन है पहला। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइड बैग। सुसाइड बैग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लाइसोसोम सुसाइड बैग को बोला जाता है लाइसोसोम, इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसको? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 82, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत लोग कन्फ्यूजन हुए होंगे और गलत कर कर आए होंगे। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फाइंड इन ग्यूनिन एंड साइटोसाइन? ग्यूनिन में और साइटोसाइन में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं? तो थर्ड होते हैं, तीन होते हैं आपके। अगर बोला जाए एडिनिन और थायमिन में कितने बॉन्ड होते हैं, तो दो बॉन्ड होते हैं। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत है, इसको स्टार बना दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपका 83, माइकोकांड्रिया इज नॉट फाउंड इन माइकोकांड्रिया में नहीं पाया जाता, तो नॉन ऑफ दिस ऑप्शन ये करेक्ट है। इसका जो ऑप्शन होगा आपका ब्राउन एल्गा बोल सकते हैं उसको, ठीक है? तो यूफ्रुक्ट में से कोई नहीं, ये भी कन्फ्यूजन वाला थोड़ा सा था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्टार्च एंड शुगर आर मड और शकर में होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट आपका 85, पेक्टाइन इज, आपका पेक्टाइन है क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर भी बोल सकते हैं इसको, आपका पेक्टाइन ये होता है। नेक्स्ट ऑप्शन मतलब बी वाला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है, फैट और प्रोटीन ये सब नहीं होता है इसमें। ये हो गए आपके 85 तक के सॉल्यूशन। 86 प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मिल्क एट 62.8 डिग्री सेल्सियस ऑफ 30 मिनट फॉलोड बाई टीच कूलिंग इज नोन एज, इसको आपका पास्चुराइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में ये होता है कि आपको मिल्क जो होता है गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, फिर उसको डीप फ्रीज किया जाता है, मतलब तुरंत 30 मिनट तक फ्रिज में कूलिंग किया जाता है। इस बेसिस पे आपके जो अमूल के दूध आते हैं या पराग वगैरह दूध आते हैं, इस बेसिस पे आपका वो होता है, उसको आप पैकेट के पीछे देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा पाश्चुराइजेशन। नेक्स्ट 87, विच बैक्टेरियम इज फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, आपकी जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? विब्रो कॉलरा, आप जानते हैं कॉलरा के लिए कॉजेज होता है, बट आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एसीरिया कोलाई, इसको बोला जाता है, ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 88, विच आर द फॉलोइंग कॉजेज फूड पॉइजनिंग, भोजन में विषैक्ता उत्पन्न करने के लिए कौन से मतलब कॉज होते हैं? तो इसमें आपका क्लोस्टीरियम ब्यूटिलियम इसका नाम होता है, फोर्थ ऑप्शन जो करेक्ट है इसमें आपका क्लोस्टीरियम ब्यूटिलियम इसका नाम होता है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 89 है आपका फ्लावर इज, फ्लावर क्या होता है, पुष्प क्या होता है? तो मॉडिफाइड सूट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, रूट वगैरह नहीं होता है। नेक्स्ट आपके 90 आ गए, आपके 90 में हम बात कर रहे हैं बनाना। बनाना क्या होता है? केला है, एक सारस फल है, आम या केला एक बेरी फल है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बॉटनिकल नेम ऑफ रेड ग्रेन, लाल चना का बॉटनिकल नेम क्या है? कैंजस कजान बोला जाता है, कैंजस कजान इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका 92, इन ह्यूमन मेल्स द पीएड एसिस्टोरी ग्लैड आर, नर मानव में युग्मित सहायक ग्रंथियां होती है, तो सेमिनल वेसल्स होते हैं इसमें, शुक्राशय होते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है। 93 इसमें है आपका द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम, जो फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है मैक्सिमम किस लाइट में होता है? ग्रीन लाइट में मैक्सिमम होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है। 94, हु हैज़ गिवन द टर्म विटामिन, विटामिन जो टर्म किसने दिया, शब्द दिया, तो कैसिमीर फंक ने दिया था आपका 1911 में दिए थे आपके फंक जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 95, आपकी पेप्साइन डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है आपका प्रोटीन को। नेक्स्ट हो गया 96, पीएच वैल्यू पूछ रहा है, लार का जो होता है सेलिवा का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो इसका जो स्लाइटली एसिडिक होता है 5.75 से 7 तक लाइज करता हो, तो मतलब 6.5 बोल सकते हैं इसको, पीएच वैल्यू ऑफ लार, जो हम लोगों का लार होता है जो भोजन को पचाने के लिए सहायक होगा, ठीक है, सहायक होता है। 97 है आपका मायोग्लोबिन आप इज फाउंड इन, मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो मसल्स में पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 98, इसमें अमाउंट्स ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय ब्रेन एवरी मिनट 750 ml, ये ध्यान में रखिएगा, ये भी NCERT से बाहर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 99, वेसल्स आर अब्सेंट इन, इसको ध्यान में रखिएगा, 750 ml, वेसल्स आर अब्सेंट इन जैनोस्पर्म में, वेसल्स जो होते हैं आपके अब्सेंट रहते हैं, वाहिनिकाएँ अनुपस्थित रहती है अनावृत बीजी में, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी वो है हार्ड है जैनुस फ्रंट से। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज पैरासाइट्स, कौन सा पौधा जो है परजीवी है? तो आपका स्कूटा जो है आपका हम
अमर बेला, ये आपका परजीवी है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है पहला। ये हो गए आपके 100 तक के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। जय हिंद।